हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल। जनरली ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, रियल एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया है ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार। क्वेश्चन क्या कहती हैं, शो दैट द नंबर दैट द नो थीटा विच अक्योर्स इन द टेलर थियोरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स अप्रोचेस द लिमिट 1/(n+1)। ये हमें लाना है एज एस टेस्ट टू जीरो, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। प्रोवाइडेड दैट fn+1 फंक्शन x इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फ्रॉम जीरो एट x इक्वल्स टू a। इन चीज़ों का हमें यूज़ करते हुए हमें ये शो करना है कि जो इसका लिमिट अप्रोच करेगा वो इसकी तरफ करेगा जब h की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो हमें थीटा ये शो करना है। तो चलिए कर दें। सबसे पहले आपको पता होगा बाय टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स और एन प्लस वन टर्म्स रिस्पेक्टिवली फॉर्मूला क्या होते हैं। एन टर्म्स के लिए और एन प्लस वन टर्म्स के लिए जो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फार्मूला होता है उसका यूज़ करना है हमें। तो सबसे पहले एन टर्म्स के लिए फार्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू फंक्शन ए प्लस एच एफ डैश ए एच स्क्वायर अपॉन वेक्टर टू एफ डबल डैश ए डॉट 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 एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल में एफ की पावर एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर एन फैक्टोरियल एन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। ये होती हैं एन टर्म्स के लिए। अब सिमिलर वे में दूसरा जो होता है एन प्लस वन टर्म्स के लिए, देखिए यहाँ पर सिर्फ एन टर्म्स के लिए था ना, तो वो चीज़ पूरी होती है यहाँ तक। तो देखिए सेम प्रोसेस है और यहाँ पर एक टर्म बढ़ गया है सिर्फ एच की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच। ये इक्वेशन टू हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। जो अभी हमारे इक्वेशन आई है ना, माइनस कर देना है। तो देखिए एफ ए प्लस एच में से एफ ए प्लस एच घट जाएगा, इसमें से ये वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट में से माइनस होगा, राइट वाला राइट में से माइनस होगा। देखिए जब हम माइनस करेंगे ये इससे ये माइनस होगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, इससे ये माइनस होगा, तो बचेंगे सिर्फ कितने टर्म्स राइट की ओर, ये टर्म बचेगा एच की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच प्लस एच की पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन ए माइनस एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच, ये चीज़ बचेगी। उसके बाद देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या दे देगा, जीरो। बाकी जो चीज़ें हैं एज इट इज हमने वैसे के वैसे लिख देना है, पूरी की पूरी राइट साइड ऐसे ही रखा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो दो टर्म्स हैं इन टर्म्स को उठाकर लेफ्ट में लेके आएंगे और देखिए इधर में से ये चीज और यहाँ से माइनस सॉरी कॉमन है, तो हमने देखिए यहाँ पर लेफ्ट में लाएंगे जब तो एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन कॉमन आ जाएगा, तो आपका अंदर बचेगा एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच माइनस एफ की पावर एन ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच की पावर एन प्लस वन, ये वाला टर्म तो यहीं रहा एच की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच, ये टर्म ऐसा, ये वाला जो बचा था वही हमने यहाँ लिखा है। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं, फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं कैसे, एन प्लस वन बाहर आ जाएगा और बाहर यहाँ से क्या बचेगा, देखिए इसको अगर लिखना चाहे ना तो एन प्लस वन यहाँ से आएगा और फैक्टोरियल एन बचेगा और इस फैक्टोरियल एन से ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, और एच की पावर एन और एच की पावर एन प्लस वन है तो एच की पावर एन से एच की पावर एन कैंसिल, सिर्फ यहाँ बचेगा एच की पावर वन। तो बचेगा कि आपका एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच माइनस फंक्शन एफ की पावर एन ए इज इक्वल्स टू एच अपॉन एन प्लस वन एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा एच। चलो इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। हम ये जानते हैं लैग्रेंज़स थ्योरम से एफ एन एक्स के लिए क्या होता है, अगर वो वेरी करती है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस थीटा एच के अंदर, जो कि ये चीज़ वेरी कर रही है, तो अब हम क्या लिखते हैं सी के प्लस पे लिख सकते हैं ए प्लस थीटा डबल डैश थीटा एच लिख सकते हैं। तो उस रूप में क्या हो जाता है आपका फंक्शन, आपका फंक्शन हो जाता है एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस एफ एन ए इज इक्व टू थीटा एच एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डबल बार एच। इसे इक्वेशन फोर मान लिया। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन
ज़रा ध्यान से देखिए, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी क्या कर देंगे कंपेयर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है ना, तो कर देंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की कंपेरिजन, यानी कि राइट वाला राइट के क्या कर देंगे इक्वल। ठीक, राइट वाला राइट के इक्वल करेंगे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बोला था कि जो आपका एच है वो टेंस कर रहा है जीरो की ओर, तो एच के प्लेस पे आप रख देना है आपको जीरो, इसके प्लेस पे जीरो रख देना है आपको, और इस एच से ये एच तो आपका कैंसिल था। ठीक, तो आपका बचेगा क्या, थीटा एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस जीरो, वन अपॉन एन प्लस वन एफ एन प्लस वन ए जीरो। तो ये और ये सेम टर्म बच गया, बिकॉज इसकी वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, तो इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा थीटा इज इक्वल टू किया वन अपॉन एन प्लस वन, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आसानी से। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।